सामंता शांत हो जाएगी। आप समझ पा रहे महाराज जी, मैं जोधपुर से आया हूँ, राजस्थान जोधपुर से। जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपके मतलब भजन और सारे सब हमारे सत्संग और सारे हमारे विश्वविद्यालय के अंदर आपके जो पहले के जो युवा थे, अब आज आपके सारे सत्संग। हाँ, उन युवाओं को प्रणाम करते हैं जो हमारी बात सुन करके अच्छे आचरण कर रहे हैं। वो हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर तो है ही उनकी कृपा, बातों को वो ग्रहण कर रहे हैं और सारे जो गलत चीजें थी उन्होंने त्याग किया और आपको हाँ बहुत धन्यवाद। भगवान कृपा करे, सद्बुद्धि बढ़े और वो हमारे समाज की पवित्र सेवा भावना से करे, जिससे हमारा राष्ट्र उन्नतिशील हो, हमारी समाज में जो भ्रष्टाचार, जो दुर्व्यवहार, जो दुर्व्यसन, जो ये गंदी बातें घुस गई हैं, इनको निकालना होगा। अब बोलो कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है नहीं? अगर कोई बात होती है तो भाई भाई के पास, भाई भाई का नष्ट कर रहा है। कोई बात होती है तो हमारा परिवार होता है, परिवार परिवार में फूट पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है? हमारी बुद्धि खराब हो रही ना। देखो, यही संसार आनंदमय हो जाएगा आपकी बुद्धि शुद्ध। मान लो सुशील सज्जन पत्नी, बड़ा ही पत्नी प्रेमी पति, माता पिता सास ससुर की सेवा और अच्छे धर्म से कमा, तो गृहस्थी सुखमय हो गई और जितना बना राम कृष्ण हरि जपा, राधा राधा जपा, सबका मंगल भावना किया, तो अंतिम समय भगवान ऐसे जन पर कृपा कर देते हैं। महाराज जी, परिवार में कोई अगर बात ही ना सुने, खूब समझाने में खूब, फिर तो अपनी बात केवल अपने को सुधारना है, परिवार को नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, जब नहीं मानेगा तो हम सबकी सहेंगे, पर हम विरोध न करके हम भगवत प्राप्त बनेंगे। अमी और विपुल जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे।